महाराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा पर तैनात SSB की 66वीं बटालियन हेड क्वार्टर पर आज रक्षाबंधन का पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बड़ी संख्या में स्कूली छात्राओं ने जवानों को राखी बांधकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए देश की सुरक्षा करने का वचन लिया। वहीं भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर जवानों ने भी खुशी जाहिर करते हुए अपनी बहनों को आशीर्वाद दिया और उनकी रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का वचन दिया। बॉर्डर पर पहुंची छात्राओं ने जवानों की कलाइयों पर राखी बांधकर उन्हें तिलक लगाया और मिठाई खिलाकर उनसे आशीर्वाद लिया। छात्राओं का कहना था कि सीमा पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी के दौरान अपने घरों पर नहीं जा पाते, ऐसे में भाई बहन के इस पवित्र पर्व पर उन्हें अपनी बहनों की याद सताए, इसलिए उन्हें राखी बांधकर भाई बनाया और देश की रक्षा करने का वचन लिया है। हमें उन्हें राखी बांध के बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हमारे जवान भाई अपने घरों परिवारों से बहुत दूर रहते हैं, वो रक्षाबंधन जैसे पर्व पर भी अपने घर नहीं जा पाते, अपने बहनों से राखी नहीं बंधवा पाते हैं, तो हमें ये उन्हें राखी बांधकर बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। हम उनकी बहनों की हम उनको ये दिखाना चाहते हैं कि भले ही वो अपने घर परिवार बहनों सबसे दूर हैं, पर हम बहनें उनके साथ हैं और हमने आज उनसे यह भी वचन लिया कि वो हमेशा इसी प्रकार देश की सुरक्षा करते रहेंगे, हमारी भी रक्षा करते रहेंगे और ये हमेशा हमारे यहाँ पे तैनात रहकर हमारे देश पे कड़ा पहरा देते रहेंगे। रक्षाबंधन का पर्व है, घर से दूर हैं आप, यहाँ पे स्कूली छात्रा हैं, आपको रक्षाबंधन यहाँ जवानों को बांधी है, कैसा लग रहा है? देखिए, हमारी ड्यूटी इस प्रकार है कि बॉर्डर जो है हमेशा हमें तैनात रहना है, तो ये संभव हो नहीं पाता है कि सभी त्योहारों में हम जा पाएँ और कभी ऐसी मजबूरी भी आ जाती है कि रक्षाबंधन जैसा त्यौहार भी हमारे जो है हिस्से में नहीं आ पाता, लेकिन इन बहनों ने आज आकर वो हिस्सा हमें दे दिया जो एक बहुत ही जज्बात को छूने वाला है। तो अब हमें लग रहा है कि हम कहीं भी तैनात रहें, किसी भी सीमा पर रहें, इस तरह की बहनें हमें मिलते रहीं तो हमें कभी नहीं लगेगा कि हम परिवार से दूर हैं। तो इसी त्यौहार पर मुझे इतना ही कहना था, धन्यवाद। कैसा महसूस हो रहा आपको? जी, हम काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और एक अपना पहन का एहसास भी, क्योंकि हम अपने घर से दूर हैं, अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से काफ़ी दूर हैं, तो जो बहनों की कमी का एहसास है वो आज हमारी इन छात्राओं ने हमारे बहन के तौर पे हमें राखी बांध के पूरा किया है और हमारे जवानों को भी इन्होंने काफ़ी महसूस कराया है कि कोई भी यहाँ पे अकेला नहीं है। आज के त्यौहार के पर्व पर अपने घर क्षेत्र सीमा से दूर सीमा पर हम यहाँ पे हैं और हमें मतलब बहुत घर जैसा महसूस हो रहा है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।